press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, अगर आपके शाओमी मोबाइल के होम स्क्रीन पर गेट ऐप्स एप्लीकेशन शो नहीं कर रहा है तो उस एप्लीकेशन को शो कैसे करें। तो जैसा कि मेरे होम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेट ऐप्स के नेम से कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है और नीचे की तरफ स्वाइप करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ तीसरे नंबर पर आपको रीजन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारे कंट्रीज़ मिल जाएंगे। अगर आपके पास नेपाल या फिर कोई दूसरी कंट्री सेलेक्ट है तो आपको सिंपली ऊपर की तरफ सर्च बार पे जाना है और यहाँ पर आपको इंडिया सर्च करने के बाद इंडिया कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ी ही देर वेट करने के बाद आपके मोबाइल पर इंडिया कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी और जैसा कि मेरे होम स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर गेट ऐप्स एप्लीकेशन शो कर रहे हैं। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ और इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने शाओमी मोबाइल के सिस्टम लॉन्चर को अपडेट कर सकते हैं।